बस पलटने से 2 दर्जन यात्री हुए घायल, बमुश्किल यात्रियों ने ही निकाले यात्री। म्याना के पास हुआ हादसा। बुधवार रात लगभग 4 बजे एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान बस में सवार सभी यात्री गहरी नींद में थे। अचानक चीख पुकार मच गई। बस में सुरक्षित यात्रियों के द्वारा बमुश्किल बाहर निकलकर घायलों को बाहर निकाला गया। इसके बाद काफी देर तक पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भिजवाया। इस घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल होना बताए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल्पना बस नंबर UP93CT1048 कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। इस बीच रात्रि लगभग 4 बजे यात्री बस म्याना के पास पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है, जहां उनको उपचार चल रहा है। और इमरजेंसी पता ही नहीं चला गाड़ी में क्या हुआ, एकदम जाके खाई में गिर गई। कहाँ जा रही थी बस? अहमदाबाद जा रही थी। अच्छा, आप सवारी हो? क्यों, कौन? मैं क्लीनर हूँ गाड़ी का। अच्छा, और लोग थे उसमें? वो कितने? और भी लोग, पैसेंजर काफ़ी थे, और 150 सवारी थी। आप घायल हो गए? जी। क्या लिखते हो आप नाम? रमन यादव नाम है। अच्छा, और कितनी सवारी घायल हुई हैं आप? और काफ़ी सवारी हैं, 150-200 सवारी थी। घटना के वहाँ से आ रहे, हम लोग सो ही रहे थे, मालूम ही नहीं चला। जब एकदम जब बस पलट के जब दोबारा सीधी वही था, हम सब जने बड़बड़ा खड़े हुए, अपने तो निकल ही नहीं पाए। अच्छा, आपके बच्चे घायल हो गए? ये बच्चे हमारे, 2 बच्चे हैं, एक वो बच्चा है, वो हमारे देवरानी। कहाँ से आए थे आप? हम कानपुर से आए। कहाँ जा रहे थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अच्छा,